नमस्कार दोस्तों, हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक ब्लॉक में इंडिया ने ज्वाइन किया है। जी हाँ, यूएस के साथ साथ इंडिया और अराउंड 12 कंट्रीज ने लॉन्च किया हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ताकि चाइना को काउंटर कर सकें। जी हाँ, ये जो IPF लॉन्च किया गया है, इसका एम है कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव किया जाए इंडो पैसिफिक रीजन में। दरअसल में जो फॉर्मर US प्रेसिडेंट थे, जो इसके पहले US के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP से पुल आउट कर लिया था, जिसके बाद अब US वापस से इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी के जरिए अपनी प्रेजेंस बनाने जा रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन इसलिए भी इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ग्लोबली GDP में भी कंट्रीब्यूट करता है। हाल ही में ये जो लॉन्च किया गया IPF का, इसके 4 पिलर्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं: ट्रेड, क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन और एंटी करप्शन। और इसके साथ ही इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया पार्ट्स में अटेंड करने जा रहे हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।